लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। गणेश चतुर्थी आज से शुरू हो गया। हम सभी आज से लगातार 10 दिनों तक गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे एवं खुशियां मनाएंगे। लेकिन ठीक उस 10 दिनों के बाद 11वें दिन हम सभी लोग गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित कर देंगे किसी नदी या किसी तालाब में। लेकिन क्या गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्या करें ऐसा कि गणेश जी की प्रतिमा भी विसर्जित ना हो? और हम सभी को ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है कि भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित नहीं करना चाहिए। तो आइए, क्या है इसका महत्व, क्या है इसकी विशेषता, क्यों आखिर गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं आचार्य नितिन शुक्ला जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नितिन शुक्ला हरिद्वार से गजब समाचार के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि 13 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान गणेश जी जो रिद्धि शुद्धि और बुद्धि के दाता हैं, हमारे घर में शुभता प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में जितने भी आने वाले विघ्न हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करते हैं। आजकल के इस समय में एक गलत ट्रेंड प्रारंभ हो गया है, गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नहीं होता। आमतौर पर आप सभी देखते होंगे कि जब हम अपने घरों में पूजा करते हैं तो पूजा के समाप्ति पर हम प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में निवास करें, अन्य सभी आवाहित देवी देवता अपने अपने स्थान को जाएं। तो लक्ष्मी और गणेश जी का कभी विसर्जन नहीं होता, लेकिन आजकल लोग विसर्जन करने लगे हैं, जो एक बहुत ही गलत परंपरा प्रारंभ हो गई है। आपको बताएं, दूसरा कारण ये है कि गणेश जी की प्रतिमाएं जो बनती हैं POP, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में कहते हैं, जो एक वाइट सीमेंट होता है, एक सफ़ेद सीमेंट होता है, जिससे ये प्रतिमाएं बनती हैं और उस पर अनेक प्रकार के रंग सजावट के लिए प्रयोग करते हैं, जो केमिकल से बनते हैं। इन प्रतिमाओं को फिर आखिरी में पूजा करने के बाद नदियों में, गंगा जी में विसर्जित करते हैं। आपको बताएं, वाइट सीमेंट एक जो जलीय, जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, हमारी मछलियाँ हैं या और भी जो जलीय जीव हैं, उनके लिए हानिकारक है, असंख्य वो मर जाते हैं, जिससे गंगा में प्रदूषण तो होता ही है, अनेक प्रकार से जीवों को नुकसान भी होता है और एक गलत परंपरा जो प्रारंभ हो गई है वो नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि इसकी शुरुआत फिर कैसे हुई। सन 1900 के आसपास बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने स्वतंत्रता की एक जागृति के लिए लोगों को एकत्र करने के लिए इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें गणेश जी की एक प्रतिमा को लाकर और हिंदू धर्म में जितने भी हिंदू धार्मिक लोग थे उनको एकत्र किया था, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम अपनी स्वतंत्रता के लिए जागृत कर सकें। बस इस परंपरा का प्रारंभ वहीं से हुआ और धीरे 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 पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में होने लगी। किसी भी शास्त्र में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नहीं लिखा हुआ, और यदि कोई विसर्जन करता भी है तो गणेश जी जो रिद्धि बुद्धि और सिद्धि के दाता हैं, तो वे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में हमेशा निवास करें और हमें सुख समृद्धि हमें प्रदान करें, यही प्रार्थना हम करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है गजब समाचार के माध्यम से, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कभी ना करें। हाँ, एक अल्टरनेट होता है, आजकल एक गलत परंपराएं चालू हो गए कि सामाजिक रूप से, एक सार्वजनिक रूप से ये कार्यक्रम होने लगे विभिन्न संस्था द्वारा, मोहल्ले द्वारा, गलियों द्वारा, गलियों में, तो एक तरीका हो सकता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ विसर्जन ना करें, लेकिन मैं ये नहीं निवेदन कर रहा हूँ कि उत्सव ना मनाएं, उत्सव मनाएं और जोर शोर से मनाएं, लेकिन विसर्जन ना करें। इसकी जगह आप किसी गणेश जी की प्रतिमा, जो किसी धातु की बनी हो, जो पत्थर की बनी हो, उसको लाएं और उसको लाकर 10 दिन तक उसकी पूजा करें, नगर भ्रमण करवाएं, और उसके बाद उस प्रतिमा को जितने भी कमेटी के लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उनको उनकी सेवा का मौका दें, या जिस मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा नहीं है उस मंदिर में उसको स्थापित करवाएं। तो मेरा पुनः निवेदन है कि गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन ना करें, इसका कोई भी आधार नहीं है।